Hello aspirants, welcome to the UPSC analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 10th September 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. I have also started my UPAC mentorship program, in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that, you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पर फर्स्ट न्यूज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विच क्लेम्ड ही वॉज लिंक्ड टू द रेडिकल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरला जर्नलिस्ट सिद्दिकी कपन वॉज ग्रांटेड बेल फ्राइडे बाई द सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पर यू का कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको समझ में आना चाहिए इस केस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित सेड एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू फ्री एक्सप्रेशन ही इज़ ट्राइंग टू शो कि यहाँ पर जो हाथरस विक्टिम है उसको जस्टिस की ज़रूरत है एंड रेजेज द कॉमन वॉइस विल दिस बी अ क्राइम इन द आइज़ ऑफ लॉ सेकेंड यहाँ पर न्यूज़ है गुजरात टू पंजाब स्टेट वॉन्ट्स फ्री ग्रेन्स स्कीम टू गो ऑन बियॉन्ड सेप्टेम्बर विद सेवरल स्टेट्स कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स फ्रॉम बीजेपी रूल्ड गुजरात टू कांग्रेस लेड राजस्थान तो यहाँ पर इन स्टेट्स का ये कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एक्सटेंशन होना चाहिए और सितंबर के बाद भी इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाना चाहिए टू एलिवेट कोविड डिस्ट्रेस इस स्कीम को तीन महीने के लिए लॉन्च किया गया था लेकिन बेसिकली इसका एक्सटेंशन बहुत बार हो चुका है विद इट्स फेज एंडिंग सेप्टेंबर गिविन द क्वांटम ऑफ व्हीट एंड राइस अवेलेबल इन द बफर स्टॉक नाउ फ्री फूड ग्रेन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द पुअर फॉर अनदर थ्री मंथस और इस स्कीम को डिसम्बर तक एक्सटेंड किया जा सकता है द कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग विद द स्कीम फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट रुपीज एटी थाउजेंड करोर वाइल एक्सटेंडिंग इट वुड बी अ पॉलिटिकल कॉल लेकिन यहाँ पर बफर स्टॉक को भी देखने की ज़रूरत है कि वीट का बफर स्टॉक और यहाँ पर राइस का बफर स्टॉक कितना है नेक्स्ट है आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर ऑन वर्ल्ड स्टेज चोपड़ा पुट्स ऑन अ डायमंड शो द ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स इन जोरीक तो ये न्यूज़ एस एच एग्जाम में तो नहीं पूछी जा सकती है आई आर थर्टी सिक्स एंड आई आर सिक्सटी फोर ये हैं राइस वराइटीज़ तो इतना आपको पता होना चाहिए इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर यह बताया गया है वाइल द स्टॉक ऑफ राइस इज़ वेल अबब द बफर स्टॉक नॉम्स द लोअर सोइंग इन द करंट खारिफ सीजन ड्यू टू अन ईवन मानसून इन द पेडी ग्रोइंग स्टेट्स हैज़ कॉज सम कंसर्न तो यहाँ पर इस स्कीम को एक्सटेंड करने से पहले बफर स्टॉक को भी देखने की ज़रूरत है अ गवर्नमेंट फंक्शनरी सेट इट वॉज नॉट सो मच द फाइनेंशियल बर्डन बट द पोजिशन ऑफ द बफर स्टॉक दैट विल इन्फ्लुएंस द फाइनल डिसीजन तो यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन इसके अलावा यहाँ पर बफर स्टॉक को भी देखने की ज़रूरत है मुरमू टी बी मोस्ट फेटल अमंग इन्फेक्शस डिजीजेज़ इट्स इराडिकेशन इज़ ड्यूटी ऑफ ऑल प्रधानमंत्री टी बी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था टू स्पीड अप द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट ट्यूबर क्रॉसेज एंड अचीव द टारगेट सेट बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एलिमिनेटिंग द डिज़ीज़ बाई दो हज़ार पच्चीस तो पहली बात हमारा टारगेट क्या है कि टी बी कब तक एलिमिनेट करना है तो टी बी दो हज़ार पच्चीस तक एलिमिनेट करना है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंडर द प्रोग्राम पेशेंट्स विल बी प्रोवाइडेड फ़ूड बास्केट्स एडिशनल डायग्नोस्टिक्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा फूड बास्केट एडिशनल डायग्नोस्टिक एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू फैमिली मेम्बर्स बाई द कम्युनिटी टी किल्स द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया दिस इज द रीजन पी एम नरेंद्र मोदी हैज़ सेट द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी सोन निक्शा पोर्टल विच कैन बी यूज बाई इंडिविजुअल्स एन जी ओज एंड कॉर्पोरेट्स और ये यहाँ पर टी बी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर टीबी पेशेंट्स को एक से तीन साल के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है ही सेट आई विल बिकम तो यहाँ पर बात की गई है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की तो उन्होंने ये कहा कि वो भी यहाँ पर एक निक्षय मित्र बनेंगे और ये भी यहाँ पर पेशेंट्स को अडॉप्ट करेंगे अडॉप्ट द पेशेंट्स हेल्प देम विद फूड एंड वोकेशन गिव देम लव एंड स्ट्रेंथ सो दैट दे कैन रिकवर एंड लिव आर नॉर्मल लाइफ अब हम चलते हैं आगे गवर्नमेंट इम्पोज इज़ बैन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रोकन राइस द यूनियन गवर्मेंट फ्राइडे बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस क्योंकि प्राइस में इंक्रीज हो रहा था डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट में हमें यहाँ पर शॉर्टेज इन सप्लाई देखने को मिली है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि सिग्निफिकेंटली गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ देखा है इन एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स उसके बाद यहाँ पर बैन लगा दिया गया कल हमने डिस्कस किया था कि ट्वेंटी परसेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है और उसके बाद आज बैन लगा दिया गया द मूव केम अ डे आफ्टर द गवर्नमेंट इम्पोज अ ट्वेंटी परसेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑल नॉन बासमती राइस एक्सेप्ट पार बॉय राइस यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर किस को रहे थे ये राइस तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्रोकन राइस का टॉप बायर था वो यहाँ पर चाइना था यहाँ पर जो ब्रोकन राइस के प्राइजेस थे वो 15 टू 16 पर केजी थे लेकिन वो इंक्रीज होकर 22 पर केजी चले गए एज अ रिजल्ट ब्रोकन राइस इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल इधर फॉर पोल्ट्री फीड और फॉर इथेनॉल द शेयर ऑफ ब्रोकन राइस इन द टोटल राइस एक्सपोर्ट इंक्रीज टू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन एट परसेंट फ्रॉम वन पॉइंट थ्री फोर परसेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन इसीलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें एब नॉर्मल राइज इन एक्सपोर्ट्स देखने को मिला है दिस केम इवन इस चाइना इमर्ज एज द मेजर बायर ऑफ ब्रोकन राइस एंड द फूड सिक्योरेटरी सेट द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट शेयर इज नॉट नॉर्मल और यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है ऑफ ब्रोकन राइस अब हम चलते हैं आगे टॉप कोर्ट टू हेयर प्लीज अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑन अक्टूबर इलेवन यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइन्टी वन की बात की गई है जिसको कि चैलेंज किया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन नाइनटी वन विच प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनिंग अ स्टेटस को ऑन द कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस तो इंडिपेंडेंस के दौरान यहाँ पर जो भी किसी भी रिलीज रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर था उसको वैसा ही रखा जाएगा उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी द पटिशन एलिज दैट द नाइनटीन नाइनटी वन लॉ क्रिएट्स एन आर्बिट्री एंड इ रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट तो पटिशन ने बेसिकली क्या एलेज किया है कि नाइनटीन नाइन्टी वन में आप एक लॉ लेकर आए और लॉ को आपने रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया और आपने एक डेट सेलेक्ट कर ली जो कि पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी और इ है फॉर मेनटेनिंग द कैरेक्टर ऑफ द प्लेसिस ऑफ वर्शिप और पिलग्रेमेज फिर उसके बाद

अब यहाँ पर इनकसिस्टेंसीज को कैसे दूर किया जा सकता है तो 2003 में जस्टिस मलिमत कमेटी सबमिटेड अ रिपोर्ट कि हमें एक स्टैटूटरी कमेटी बनाने की ज़रूरत है जो कि गाइडलाइंस को बताएगा जिसकी वजह से यहाँ पर एम्बीग्यूटी रिड्यूस हो सके तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिमिलर केसेस होंगे लेकिन डिफरेंट जजमेंट्स होंगे तो इसको कैसे कम किया जा सकता है तो उसके लिए एक परमानेंट स्टैटुटरी कमेटी बनाने की बात की गई थी टू प्रिस्क्राइब सेंटेंसिंग गाइडलाइंस टू रिड्यूस एम्बीग्यूटी इन द ए अवार्ड ऑफ सच सेंटेंसेज नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो रेमिशन दिया गया है माई सब्जेक्टिव व्यू इज़ दैट दिस रेमिशन इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट दो हज़ार तेरह जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे जो यहाँ पर प्रपोज किए थे जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी ने टूवर्ड्स जेंडर जस्टिस द सेकेंड इशू इज ऑफ रेमिशन वंस फाउंड गिल्ट यू वन हैज टू सर्व द मिनिम टाइम फॉर द ऑफेंस एज लेड आउट इन द लॉ हाउ एवर रेमिशन एट द एंड ऑफ दिस मिनिमम टर्म इज़ नॉट आर राइट तो रेमिशन यहाँ पर राइट right नहीं है द मेन इशू ऑफ कंटेंशन वॉज हु वुड डिसाइड ऑन द रेमिशन सेंटर जिसने कि यहाँ पर प्रोजिक्यूट किया था केस अंडर द सी बी आई और द स्टेट जहां पर ये criminals को ट्रायल किया गया था महाराष्ट्र या तो वो स्टेट जहां पर इन्होंने सर्व किया था अपना पनिशमेंट दैट इज गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गुजरात की फाइनल सी होगी इन द मैटर और उसके बाद यहाँ पर गुजरात ने फाइनली रेमिशन के ऊपर डिसाइड किया द आर्ग्यूमेंट अराइजेज हेयर दैट द रमिशन शुड हैव बी कंसिडर्ड अंडर द ट्वेंटी फोर्टीन लेजिस्लेशन लेकिन यहाँ पर जो रेमिशन कंसिडर किया वो यहाँ पर 1992 नाइनटी के अंडर किया गया एट एनी रेट गिव इन द जुडिशरी हैज द फाइनल से इन द डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ रेमिशन इवन दिस रेमिशन को यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा बाई द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है अ टी मुक्त इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑफन एम्फिसाइज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ जन भागीदारी और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं जन भागीदारी से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल हो पाई जन भागीदारी से एंड द रिसेंटली कंक्लूडेड हर घर तिरंगा कैंपेन तो हम क्या इंडिया को टीबी फ्री बना सकते हैं बाई 2025 ऑन जन भागीदारी पी एम मोदी हैज सेट द एम्बिशियस गोल ऑफ मेकिंग इंडिया टी बी फ्री बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और ग्लोबल टारगेट से हमने पाँच साल पहले का टारगेट रखा है इंस्पायर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदीज कमिटमेंट टू द कॉज वी इनिशिएटेड द निक्शय पोषण योजना अंडर द एजेस ऑफ द नेशनल टी बी एलिमिनेशन प्रोग्राम और यहाँ पर टी बी पेशेंट्स की न्यूट्रिशनल नीड्स को सपोर्ट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम ओवर सिक्सटी टू लाख टीबी पेशेंट है फाइनेंशियल सपोर्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 1651 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी वन करोड़ गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली टू प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस इसके अलावा फ्री मेडिसन्स एंड अदर काइंड ऑफ सपोर्ट लेकिन यहाँ पर ऑथर का ये मानना है कि कलेक्टिव एक्शन विल गिव द ड्राइव फॉर टीबी मुक्त भारत विद अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर सकता है एज निश्चय मित्र ऑन द निशय 2.0 पोर्टल टू सपोर्ट पीपल अफेक्टेड बाय द डिजीज इनिशिएटिव यहाँ पर बात करता है एसेंशियल न्यूट्रिशनल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने की टू पीपल विद टीबी और यहाँ पर जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है उसको रूट आउट करना है थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर एसेंशियल तो पहले यहाँ पर न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल किया जाएगा सेकंड सपोर्ट फॉर एडिशनल डायग्नोस्टिक्स एंड द थर्ड यहाँ पर वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी टू हेल्प देम ज्वाइन द वर्कफोर्स और वो यहाँ पर प्रॉस्प्रस और प्रोडक्टिव लाइफ को जी सकें तो यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है पर्सन विद टीबी तो उसके लिए लॉग इन किया जा सकता है यहाँ पर लिंक प्रोवाइडेड है एंड प्लेज टू प्रोवाइड योर सपोर्ट फॉर एनी ड्यूरेशन बिटवीन वन टू थ्री ईयर्स नेक्स्ट है शोरिंग इट अप तो यहाँ पर ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में है तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर नेगोसिएशन स्टार्ट होंगे इंडिया इस बांग्लादेश सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड इट्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन एशिया और यहाँ पर बायलेटरल ट्रेड ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट फोर्टी से 10.78 बिलियन डॉलर था 2021 में और ये पहुंच गया 2021-22 में 18.13 बिलियन डॉलर

That both countries have agreed to expedite work to complete all pending developmental works within 150 yards of the zero line, including fencing, starting with that Tripura sector, with the objective of maintaining a tranquil and crime-free border. तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में बात की गई है तीसता वाटर के ऊपर जो एग्रीमेंट है वो कंक्लूड नहीं हो पाया है ढाका हैज़ ट्रेडिशनली रिलाइड ऑन बीजिंग फॉर इट्स डिफेंस नीड्स तो जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है बांग्लादेश की तो ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न हो सकता है एज देयर इज ग्रेटर ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप विद डेली देयर इज एवरी चांस की स्ट्रेटजिक कॉपरेशन यहाँ पर पेस रखेगी विद द इकोनॉमिक टाइम्स तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है तो कुशियारा के ऊपर इंटरनम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है तीसरा अभी कंक्लूड नहीं हो पाया है इसके अलावा यहाँ पर जो बॉर्डर इंसिडेंट्स हैं वो हमें जीरो करने हैं सेपा को लेकर यहाँ पर नैगोसिएशन स्टार्ट होने वाले हैं जो यहाँ पर बांग्लादेश की डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो हमें कम करनी है ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है नेक्स्ट है यहाँ पर द हाइडलाइन ऑफ शी जिनपिंग ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि शी जिनपिंग की पॉलिसी कैसी है उनका पर्सपेक्टिव कैसा है टेन ईयर्स अगो वेन शी जिनपिंग रोज़ टू बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तो कुछ लोगों ने कहा कि ये चाइना के मिखाइल गौरवशैब होने वाले हैं मैनी होप दैट ही वुड टेक फॉरवर्ड द मॉडरेट पॉलिसीज ऑफ इस प्रोडोसर From a communist authoritarian dictatorship under Mao, the CPC had gradually transformed into a party with moderate views and a semblance of inner party democracy. लेकिन ये सब कुछ कैसे चेंज हुआ शी जिनपिंग के एरा के, के अंदर वो सब हम डिस्कस करेंगे

शी टू इज अ प्रिंसलिंग अब प्रिंसलिंग क्या होता है एक डेरोगेटरी टर्म है जो कि चाइना में यूज किया जाता है जो लोग यहाँ पर नेपोटिज्म या क्रोनिज्म की वजह से राइज करते हैं और उसमें से शी जिनपिंग भी एक हैं देर इज वन डिफरेंस दो शी जिनपिंग्स इलस्ट्रियस फादर इज हेल्प इन हाई स्टीम इन चाइना फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ईयर्स और सब्सिक्वेंटली उनका इंपॉर्टेंट रोल था इन बिल्डिंग मॉडर्न चाइना

शी हैज नॉट ओनली रिटर्न टू माउस कौश्री अथोरिटेर बल्कि उन्होंने अपने यहाँ पर टर्म को भी एक्सटेंड करने की बात की है ही हैज़ बिल्ट अ क्रूअल सर्वेलांस स्टेट एंड पॉज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कार्डस एट वेरियस लेवल्स ऑन फ्लिमसी प्रीटेक्सट तो बेसिकली जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है जो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जाते हैं शी यूज डेजलिंग प्रोपेगेंडा टू हाइड हिज फेलियर्स ऑन द इकोनॉमिक एंड पैंडमिक फ्रंट ही सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हिज कॉन्फिडेंस इन द स्टैंडिंग कमेटी अ की बॉडी जो कि यहाँ पर उनके चांसेस को बना सकती है फॉर अनदर टर्म इवन इन द चाइनीज आर्मी शी अफेक्टेड ब्रूटल पर्चे ऑफ ऑफिसर्स जो कि उनको लगता है कि उनके लिए वो लॉयल नहीं है और अपने लॉयलिस्ट को उन्होंने यहाँ पर की पोजिशंस पर बिठा दिया Traditionally, the leadership of the Central Military Commission gave enormous powers to the president. Finally, there is growing resentment among the people ki yahan par यहाँ पर जो कोविड लॉकडाउन की हैंडलिंग हुई है वो यहाँ पर ठीक से नहीं हुई है जिसकी वजह से सिटीजनस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा चाइनीज सोशल मीडिया इज रिप्लीट विद डार्क ह्यूमर लेकिन यहाँ पर शी जो हैं वो हाइपर नेशनलजम को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी उनके फेलियर्स हैं उनको छुपाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हीटो को अमेरिका और प्रोक्लेम कर दिया कि चाइना यहाँ पर इनवेंसिबल है और इसके अलावा वो यहाँ पर वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं विद ताइवान विच कुड अनलिच फोर्स डैट वीडर डेसीमेट हिज लीडरशिप और पुश द वर्ल्ड इन टू हॉरेंडस कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट यहाँ पर है पावर गेम्स वाइल वी डी कॉलोनाइज आर इंस्टीट्यूशन टू रिसेंट इवेंट्स डेमोस्ट्रेट द नीड टू मूव क्विकली टू अचीव आवर आइडियल नहीं तो हमें वेस्टर्न यहाँ पर गुरुज को सुनने की जरूरत पड़ेगी ऑन सेप्टेम्बर एट्थ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और ये कहा कि आप अपने गवर्नेंस इशूज़ को रिजॉल्व करो और दिसंबर तक इलेक्शन करो फेलिंग विच द वर्ल्ड स्पोर्ट्स बॉडी विल बैन इंडिया तो अगर ऐसा नहीं किया गया तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बैन कर दिया जाएगा एन अदर रीसेंट केस इन्वॉल्विंग द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल फीफा जिसने कि यहाँ पर ए आई एफ एफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया था एंड द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू क्लीन अप द मेस इंड इंडियन फुटबॉल इज ऑल्सो इंस्ट्रक्टिव ऑगस्ट सिक्सटीन को फीफा ने सस्पेंड कर दिया था ए आई एफ आई ए आई एफ एफ को क्योंकि यहाँ पर undued, इन्फ्लुएंस था फ्रॉम द थर्ड पार्टी दे थ्रेटन टू स्ट्रिप इंडिया ऑफ द होस्टिंग राइट्स ऑफ द फीवा अंडर सेवनटीन वेमेंस वर्ल्ड कप जो कि शेड्यूल्ड है फॉर अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एफ एफ इलेक्शन वर हेल्ड ऑन सेप्टेम्बर टू एंड फॉर्मर इंडियन गोलकीपर को यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया गया तो ऑथर ने बेसिकली यही कहा है कि ये जो प्रोजम्पन है ना कि ब्यूरोक्रेट या जज यहाँ पर बेटर प्लेस्ड एंड टू डू सो इज़ अ सेल्फ सर्विंग आर्ग्यूमेंट और इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में अगर यहाँ पर प्लेयर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा दैट अ स्पोर्ट्स पर्सन इज़ नाउ इन चार्ज सेंड अ सिग्नल दैट फॉर्मल प्लेयर्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर्स अ प्रोजम्पन की यहाँ पर ब्यूरोक्रेट और अ जज इज बेटर प्लेस टू डू सो इज़ अ सेल्फ सर्विंग आर्ग्यूमेंट जिसको कि चैलेंज करने की ज़रूरत है एज स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स मोर डिमांडिंग एंड ट्रेनिंग एंड स्किल्स

चीफ इनका ये कहना है कि नेचुरल कलामिटीज़ वर नॉट स्ट्राइकिंग बैक ऑन दोज कंट्रीज जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट किया है अब क्लाइमेट चेंज को कौन से कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट किया है तो ऑफ कोर्स यहां पर ग्लोबल नॉर्थ ने कंट्रीब्यूट किया है यूरोपियन नेशंस ने कंट्रीब्यूट किया है यूएस ने कंट्रीब्यूट किया है जिसने यहां पर ग्रीन हाउस गैस अमिशंस किए थे एटीन के दौरान जब यहां पर इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुई थी यूनाइटेड नेशंस chief on friday lamented that natural calamities were not striking back on those countries who have contributed more to the climate change but nations like pakistan jinka contribution climate change mein zyada kam hai. इट इज़ लाइक नेचर हैज़ अटैक द रॉन्ग टारगेट्स इट शुड बी दोज दैट आर मोर रिस्िपांसिबल फॉर क्लाइमेट चेंज जो कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर पूरी तरीके से रिस्पॉसिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पर पोलियो के बारे में मेंशन है पोलियो कैन कॉज इर रिवर्सिबल पैरालिस इन सम केसिज बट इट कैन भी प्रिवेंटेड अगर यहाँ पर वैक्सीन दे दी जाए वैक्सीन पोलियो की नाइनटीन में अवेलेबल हो चुकी थी देर इज नो नोन क्योर फॉर पोलियो वायरस थ्री इंजेक्शन ऑफ द वैक्सीन प्रोवाइड नियरली हंड्रेड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज आफ्टर द क्वींस पासिंग तो यहाँ पर जो किंग बने हैं उनकी बात की गई है विद द डेथ ऑफ ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड द थ्रोन हैज़ पास टू टूअर सन प्रिंस चार्ल्स फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि जो उनकी वाइफ हैं वो यहाँ पर क्वीन कंजॉर्ट बनेंगी वो यहाँ पर क्वीन नहीं बनेंगी क्वीन वो तभी बनेंगी जब वो यहाँ पर मोनार होंगी तो ये सब हमारे एग्जाम परसपेक्टिव के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अब हम चलते हैं आगे डॉल्फिन पोर फर्स्ट टाइम एवियन फ्लू हमें देखने को मिला है कैटाशियंस में a bottle bottlenose dolphin found dead in a Florida canal in the spring tested positive for a highly virulent strain of the bird flu. तो basically इस news में सिर्फ इतना बताया गया है कि cetaceans में भी हमें यहाँ पर avian flu देखने को मिला है cetaceans क्या होते हैं a group of marine mammals that includes dolphins, porpoises and whales. शूज़ चीट कोट्स शेड्स कोच असिस्टेंस तो बेसिकली यहाँ पर चेस में कैसे चीट किया जा सकता है उसके यहाँ पर मेथड्स बताए गए हैं इ लीगल लोन ऐप्स फाइनेंस मिनिस्टर और डस एक्शन आर बी आई टू मेक वाइट लिस्ट तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और यहाँ पर हमने यू के को ओवरटेक कर दिया है नोटिंग कंसर्नस ऑन इंक्रीजिंग इंस्टांसिस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स एवेजन एंड क्रिमिनल इंटीमिडेशन बाई इ लीगल लोन ऐप्स तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर आर बी आई को कहा है कि आप एक वाइट लिस्ट ऑफ लीगल डिजिटल लैंडिंग एप्स बनाओ जो कि परमिटेड होंगे इन ऐप स्टोर्स तो बेसिकली इन ऐप का यूज़ किया जा रहा है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इसके अलावा म्यूल रेंटेड अकाउंट्स टेक प्रो एक्टिव एक्शन इन कैंसिलिंग और यहाँ पर जो एन बी एफ सीज हैं जो कि डॉर्मेंट एन बी एफ सीज हैं उनके लाइसेंस वगैरह यहाँ पर कैंसिल किए जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर इलीगल लोन ऐप्स काम ना ना कर पाएँ तो यहाँ पर कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं नेक्स्ट है इंडिया नॉट पार्ट ऑफ आई पी ई एफ ट्रेड पिलर India has at present not agreed to the trade pillar of the Indo Pacific Economic Framework, a 14 member bloc. The IPEF was launched jointly by the United States and other partner countries of the Indo Pacific region. The framework is structured around four pillars. Now, here char the four pillars trade, supply chains, clean economy, and fair economy. So, India basically trade. वाला जो पिलर है उसको एग्री नहीं किया है तो जो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब ये साइन हुआ था तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड पिलर को लेकर हमने यहाँ पर एग्री नहीं किया है और इंडिया यहाँ पर ट्रेड पिलर का पार्ट नहीं है एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया है तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा यहाँ पर कप्पन के बारे में वो सब हमने डिस्कस किया जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर यू को कैसे यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है गुजरात टू पंजाब स्टेट वॉन्ट फ्री ग्रीन स्कीम्स टू गो ऑन बियॉन्ड सेप्टेम्बर तो प्रधानमंत्री अन्न योजना को यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात की गई लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि बफर है या नहीं है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यहाँ पर तीन महीने के लिए लाई गई थी कोविड डिस्ट्रेस को एलिवेट करने के लिए लेकिन इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो चुका है और अभी बात की जा रही है कि इसको यहाँ पर दिसंबर तक एक्सटेंड किया जाएगा यहाँ पर नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स इन जुरीक तो ये आपको एक फैक्ट पता हो सकता है नेक्स्ट हम चलते हैं आगे टीबी मोस्ट फेटल अमंग इंफेक्शियस डिजीजेस तो उसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है और हमारा टारगेट है कि टीबी को एलिमिनेट करना है बाय 2025 निक्षय पोर्टल विच कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एनजीओज एंड कॉर्पोरेट्स जो कि यहां पर टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर टी बी पेशेंट्स को अडॉप्ट करके मंथली बास्केट की बात की गई है इसके अलावा डायग्नोस्टिक्स की बात की गई है वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है अब हम चलते हैं आगे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस क्योंकि यहाँ पर सप्लाई की थोड़ी कमी हो गई थी जिसकी वजह से प्राइजेज इंक्रीज हो रहे थे और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स में भी अब नॉर्मल इंक्रीज़ देखा गया था जिसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया नेक्स्ट अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो प्लेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट नाइनटीन नाइन्टी वन की बात करता है कि यहाँ पर जो रिलीजियस प्लेसेस है उनमें स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा और उनके कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी जो यहाँ पर डेट ऑफ इंडिपेंडेंस को रिलीजियस कैरेक्टर था वही यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा अब इसको चैलेंज किया गया है क्योंकि ये कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली यहाँ पर एक आर्बिट्ररी डेट डिस्कस कर ली गई डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर ली गई जो कि एक आर्बिट्ररी और इैशनल है दूसरी बात यहाँ पर यह बात की गई कि प्लेसिज ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन नाइन्टी जुडिशियल रिव्यू को बार करता है जो कि एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा मिनरवा मिल्स केस में गया था डूइंग राइट बाई बिल्किस पानो इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था टीबी मुक्त इंडिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर टीबी मुक्त इंडिया में जो कैंपेन है उसमें क्या क्या किया जाएगा फिर यहां पर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में है द हार्ड लाइन ऑफ शी जिनपिंग पावर गेम्स तो यहां पर, यहां पर यह कहा गया है कि ऐसा प्रजम्पन कि ब्यूरोक्रेट और जज यहां पर बेटर प्लेस एंड टू रन स्पोर्ट्स फेडरेशन देन प्लेयर्स ये आर्ग्यूमेंट जिसको यहां पर चैलेंज करने की जरूरत है नेक्स्ट है यहां पर यूनाइटेड नेशनस के चीफ ने यह कहा है कि नेचुरल कलामिटीज़ उन कंट्रीज़ को स्ट्राइक बैक नहीं कर रही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द क्लाइमेट चेंज और यहाँ पर रॉन्ग टारगेट्स को सेलेक्ट कर लिया गया है बाय द नेचर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है आफ्टर द क्वीन्स पासिंग डिस्कस नहीं करेंगे फिर यहाँ पर हमने कैटाशियंस डिस्कस किया जिसमें यहाँ पर एवियन फ्लू को देखा गया है कैटाशियंस क्या होते हैं अ ग्रूप ऑफ मेराइन मैमल्स दैट इंक्लूड्स डॉल्फिन फॉर एंड वेल्स इलीगल लोन ऐप्स के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आर को ये कहा गया कि आप एक वाइड लिस्ट को यहाँ पर प्रिपेयर करो जिन ऐप्स को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा इंडिया ने आई पी ई एफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ट्रेड पेलर का इंडिया पार्ट नहीं है तो यहाँ पर चार पिलरस हैं बेसिकली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ट्रेड सप्लाई चेन्स क्लीन इकॉनमी एंड फेयर इकोनॉमी लेकिन इंडिया यहाँ पर ट्रेड का पार्ट नहीं है तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो इफ लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड डे